का यूनिक मई महाराष्ट्र दिवस तथा कामगार दिवस को अनोखे तरीके से राशन किट वितरित करते हुए मनाया। राज्य के सबसे बड़े मजदूर संगठन धड़क कामगार यूनियन और उसकी संबंधी इकाइयों ने 1 मई महाराष्ट्र दिवस तथा कामगार दिवस को अनोखे तरीके से मनाते हुए इस अवसर पर हजारों जरूरतमंदों को राशन वितरण किया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के सौजन्य से प्राप्त राशन किट व कामगार दिवस समारोह का उद्घाटन आमदार नेता प्रसाद नान्य अभिजीत राणे संस्थापक महासचिव धड़क कामगार यूनियन की उपस्थिति में किया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। इस अवसर पर धड़क ऑटो रिक्शा टैक्सी चालक मालिक यूनियन, धड़क ऑल मिल्स कामगार संगठन, धड़क घरेलू कामगार संगठन, धड़क इमारत व बांध कामगार यूनियन, धड़क हॉस्पिटल कामगार यूनियन, धड़क हॉकर्स फेरीवाला यूनियन, धड़क माताड़ी जनरल कामगार यूनियन के साथ धड़क कामगार यूनियन के जरूरतमंदों तथा गरीब जरूरतमंद लोगों को कामगारों को राशन किट वितरित की गई है। बता दें कि मानवता ही ईश्वर सेवा के प्रतिरूप मानो जाती है। इसी भावना से प्रेरित होकर कामगार यूनियन की तरफ से पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से मुंबई के रिक्शा टैक्सी टेम्पो डंपर चालक असंगठित कामगारों के साथ गरीब व जरूरतमंद लोगों को लगातार सहायता दी जा रही है। वो लोन नहीं भर पाते, बिजली का बिल है, सरकार से मांग रखी है कि कुछ कम हो जाए या लोन का कुछ नहीं। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं खुद मुंबई डिस्ट्रिक्ट बैंक को रिप्रेजेंट करता हूँ और कई बैंकों के साथ मेरे भी संबंध रहे हैं, मैं कई बैंकों के डायरेक्टर रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं मानना चाहूँगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पहले ही जाहिर कर चुके हैं कि कोई भी इंस्टॉलमेंट हो, फिर वो घर का EMI हो, गाड़ी का हो, टैक्सी का हो, रिक्शा का हो, लोन का हो, इसे 3 महीने के लिए आगे किया गया है। बिजली बिल के बारे में भी महाराष्ट्र सरकार ने सकारात्मक भूमिका बताई थी जब देवेंद्र फडणवीस जी ने इस बारे में बात की थी। अभी तक सरकार का निर्णय नहीं हो पाया, लेकिन हम हमारी माध्यम से, विरोधी पक्ष की भूमिका के माध्यम से, गरीबों को बिजली का बिल माफ़ हो, 3 महीने का राशन फ्री मिले, EMI का इंस्टॉलमेंट आगे जाए और उसके ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज न आए, ये सारे चीज़ों के लिए हम लड़ रहे हैं और निश्चित साथ है, मैं आपको विश्वास के साथ बताता हूँ कि इसमें हमारी जीत होगी। और महान कामगार नेता अभिजीत जी के यहाँ से धड़क कामगार यूनियन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के माजी मुख्यमंत्री और विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र जी फडणवीस और हमने खुद ने मिल के अभी तक मुंबई शहर हो या कोंकण हो, अभी तक हम लोग 80,000 फैमिली तक पहुँचने की कोशिश की थी। उसमें शशांक राव की यूनियन हो, भारतीय जनता पार्टी की यूनियन हो, फिल्म सिटी कामगार की यूनियन हो और ऐसे कई जगह पे जो दिहाड़ी मजदूर है, रिक्शा चालक है, टैक्सी चालक है, जो रोजंदारी पे काम करते हैं, ऐसे लोगों को अन्नदान और मास्क और सैनिटाइजेशन और इतर सुविधाएं देने की हमारी कोशिश थी। हमारी बात अभिजीत जी के होने के बाद अभिजीत जी ने भी बताया कि लगभग उनको 100 टन अनाज की ज़रूरत लोगों में बांटने के लिए है, क्योंकि आज इनके पास भी 5 लाख से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं। और तुरंत ही देवेंद्र जी ने उन्हें प्रॉमिस किया और आज पहला जो डिस्ट्रीब्यूशन था इसके लिए उन्होंने मुझे आज आमंत्रित किया था। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आज के तारीख में सरकार सोई हुई है, कामगारों के पास किसी का ध्यान नहीं है। जो रोजंदारी के ऊपर काम करता है वो रोजंदारी के ऊपर ध्यान देने के लिए सरकार के पास वक्त नहीं है। ऐसे वक्त में ऐसे कामगार नेता जब आगे आते हैं, हमारे जैसे विधायक हो या कार्यकर्ता हो, उनके साथ मिलके कंधे से कंधा मिलाकर कामगारों को न्याय देने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें हमें आनंद प्राप्त हो रहा है। तो राशन में क्या क्या किट में क्या क्या चीज़ है जो प्रोवाइड? इस किट में अगर आप देखोगे तो बासमती राइस है, चने का दाल है, सम्राट की शुगर है, अन्नपूर्णा का आटा है, सफोला का तेल है, उसके बाद नमक है, टाटा सॉल्ट का नमक है और टाटा की चाय है। ऐसे 7-8 प्रकार मिलके लगभग 11-12 किलो का ये जो किट हो रहा है, 5 किलो आटा है, 3 किलो राइस है, 1 किलो शक्कर है, 1 किलो दाल है, 1 लीटर तेल है, तो 12-13 किलो का जो ये है, लगभग एक फैमिली को 15 दिन के लिए आज के टाइम में काम आने वाली चीज़ हम देने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा कपड़े के मास्क भी मैं अभिजीत जी को दे रहा हूँ, वो लगभग मैं 25,000 मास्क अभिजीत जी को मैं पहुँचाने का काम करूँगा, जिसके माध्यम से जो कामगार आज फिल्म सिटी शुरू होने के बाद काम करेगी, तो वो जो कपड़े का मास्क है वो वॉशेबल मास्क होगा, वो एक मास्क 100 बार धो के भी पहन सकते हैं, ऐसे तरीके का वो मास्क बनाया गया है। और सैनिटाइज़र का भी हम प्राविधान करेंगे।
जो महिलाएं यहाँ पे यूनियन में काम करती है उनके लिए सैनिटरी नैपकिन का भी प्रोविजन अभिजीत भाई हम आपको हमारे अपने भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से करेंगे, और जितनी सेवा आप करोगे उसमें हम आपके साथ रहेंगे, ये मैं आप सबके सामने वादा देना चाहूँगा। अच्छा, आप लोगों ने क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए, जैसे कि आपने कहा कि सफोला तेल दे रहे, खासतौर लोग पाम ऑयल तेल देते या कुछ और देते, आप लोगों ने क्वालिटी से कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया? देखिए, हम और देवेंद्र जी हमेशा एक ही चीज़ मानते हैं, जो हम खाते हैं वो लोग खाने चाहिए। अगर हम बासमती खा रहे हैं तो लोग भी बासमती खाएंगे, यही है। अगर इसकी वैल्यू करना नहीं चाहूँगा, अगर मैं सादा राइस लेता था तो शायद वो राइस और 4 किलो ज़्यादा आता था, लेकिन अगर अच्छी चीज़ देंगे तो लोग अच्छी याद भी करेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे नेता बासमती खा रहे हैं तो कामगार भी बासमती खानी चाहिए। अच्छा, क्या प्लान्स क्या है? हमारा प्लान था 1 लाख इंडिविजुअल्स तक और 5 लाख फैमिली तक पहुंचने का, लेकिन जब हमने काम शुरू किया पिछले 15 मार्च से लेके, यानी 22 मार्च से हमने एक्चुअली काम शुरू किया, और अभी तक हम लोग 7 लाख लोगों तक पहुंच पाए, इसका हमें बहुत बड़ा समाधान है। मुंबई के हर विधानसभा में हमने काम किया, भारतीय जनता पार्टी के आमदार हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, अलग पार्टी में नाम नहीं लेना चाहता हूँ आज चैनल के सामने, लेकिन जो जो पार्टी के विधायकों ने और नेताओं ने हमसे चीज़ मांगी वो हमने दी, इसमें कोई राजनीति नहीं की। जैसे कि मैंने बताया कि शशांक राव की यूनियन से मैंने BST को और रिक्शा और टैक्सी चालकों को दिया, तो भले मतलब विभिन्नता है लेकिन उद्देश्य एक है, उस उद्देश्य को साथ में रखते हुए कोई राजनीति नहीं करते हुए हमने ये काम करने की कोशिश की। सर, आप क्या कहेंगे सर? नहीं, मी मनापासून भारतीय जनता पार्टी के सर्वे सर्वा महाराष्ट्र के माझ्यासाठी मोठ्या भावाप्रमाणे असणारे सन्माननीय देवेंद्रजी फडणवीस, त्याचबरोबर माझे मोठे भाऊ मार्गदर्शक प्रसाद लाडजी या ठिकाणी आहेत, त्यांच्या दोघांच्याही आशीर्वादाने मार्गदर्शनामुळे आमच्या युनियनला एक बळ मोठ्या प्रमाणात मिळालेलं आहे, आणि आज मुंबई महाराष्ट्रामध्ये एक प्रभावी युनियन म्हणून आपण सर्व काम करतो आहे, आणि जवळपास आज 5 लाखाहून अधिक संघटित असंघटित कामगार आहेत, जवळपास रिक्षा टॅक्सी चालक मालक हेच जवळपास 70,000 आहेत, नाका कामगार आहेत, हॉकर्स आहेत, फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये काम करणारे डेडिकेटेड जवळपास 70,000 फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये काम करणारी लोकं आहेत, हॉस्पिटलमध्ये काम करणारे वॉर्ड बॉईज, आणि मुंबईच्या बऱ्याचशा BMC हॉस्पिटलमध्ये देखील आपल्या युनियन्स आहेत, आणि आज जर आपण बघितलं तर बऱ्यापैकी उत्तर भारतीय जे रिक्षा चालवत आहेत किंवा जे स्किल वर्कर आहेत, म्हणजे ज्याला कार्पेंटर्स असतील, पेंटर्स असतील, मुळात जे नाका कामगार आहेत, आज ते बाहेरून आपल्याकडे आलेले आहेत आणि खरोखर त्यांची दयनीय अवस्था आहे। जसं आमच्याकडे एम्ब्रॉयडरी फील्डमध्ये बंगाली लोक बऱ्यापैकी काम करतात, आज त्या ठिकाणी ते डेली वेजेसवरती काम करतात, उनको खाने के लिए खाना नहीं है, और उसकी संख्या भी लगभग आज 7-8 हज़ार है। रोज़ हमारे ऑफिस में फ़ोन आ रहा है कि हमारे पास खाना नहीं है खाने के लिए, और लगभग आज जो हमारा ये वाटप है, मैं रिक्वेस्ट की देवेंद्र जी को और उन्होंने हमारी जो रिक्वेस्ट थी वो एक्सेप्ट की उन्होंने, और प्रसाद जी के माध्यम से हमें एक बहुत बड़ी ताकत मिली है। मैं फिर एक बार देवेंद्र जी और प्रसाद जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूंगा, और हमारे सभी 7.5 लाख वर्कर्स की तरफ से मैं फिर एक बार देवेंद्र जी और प्रसाद जी के बहुत बहुत आभार मानना चाहता हूँ। खिचड़ी बांटते डेली आप? लगभग हम 5,000 लोगों को हर रोज खिचड़ी का बाटअप कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए जो कंपनीज है, जैसे सोसाइटी टी कंपनी है, सोसाइटी चाय है, तो उन्होंने हमको 30,000 किलो चाय दी है, चाय पत्ती दी है, तो हमने वो सब वर्कर्स को बांटी है। हमने बहुत से हमारी कंपनी हम जॉनसन एंड जॉनसन के साथ में है, तो वो जो कंपनी से हम जुड़े हुए हैं वो कंपनी ने हमें कुछ CSR फंड्स दिए हैं, कुछ वो माध्यम से हमारे डे टू डे बेसिस पे हमारे एक्टिविटीज चल ही रहे, मगर इन एडिशन एक मोटा सियाचा वाटा आज प्रसाद जी और देवेंद्र जी ने उचलला है, त्याबद्दल मी त्या दोघांचे खूब खूब आभारी हूँ। अभिजीत जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि जो महाराष्ट्र में जो वर्कर्स जो फंसे हुए हैं, डेली वर्कर्स है, फिल्म इंडस्ट्री के हैं, उनको रोज दिन भर एक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या आपकी बात फडणवीस जी से हुई है लेबर्स को लेकर के? नहीं, निश्चित तौर पर देवेंद्र जी इस विषय पर हमेशा ही आवाज उठाते आए हैं, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द गवर्नमेंट ये लोगों को जहाँ जो माइग्रेंट्स है जो बाहर से आए हैं उनको उनके गाँव तक पहुँचाने का काम
देवेंद्र जी और ये सरकार जो विद्यमान सरकार है और केंद्र में हमारे नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में वो सभी लोगों को अच्छी तरीके से सेट किया जाएगा। प्रसाद जी, आप कोरोना वायरस को लेकर के आप लोगों के बीच में क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं एक ही चीज बताऊंगा कि हर एक कार्यकर्ता, हर एक समाज सेवी संस्था, हर एक एनजीओ अपने माध्यम से लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक हम पहुंच पाए वहां तक हम पहुंच पाएंगे और जरूर पहुंचने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि नरेंद्र भाई ने जो कहा है स्टे होम सेफ होम, मैं भी लोगों से यही कहना चाहूंगा। अब इस लड़ाई में हम जीत की तरफ जा रहे हैं और हम होंगे कामयाब। आज एक में है, जैसे महाराष्ट्र को हमने आज़ादी 60 साल पहले दी, एक संयुक्त महाराष्ट्र बनाया, वैसे कोरोना को भी भगाने का काम आज एक में से शुरू होगा और आने वाले 15 दिन में कोरोना को यहाँ से भगाया जाएगा और महाराष्ट्र कोरोना मुक्त होगा। क्या बात, निश्चित आप क्या अपील करेंगे लोगों से? नहीं, निश्चित तौर पर लाड साहब के बातों से मैं भी उनके साथ में ही और उनकी बातों से मैं सहमत हूँ, उनके साथ में हूँ। सर एक सवाल करेंगे सर, ऑटो वाला जीत राणे, मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या सर्व कामगारांना आज कामगार दिनाच्या शुभेच्छा देतो, त्याचबरोबर महाराष्ट्र दिनाच्या शुभेच्छा। गेले अनेक वर्ष आपण सर्वच कामगार चळवळीमध्ये काम करतो आणि आजचा हा दिवस पूर्णपणे कामगारांसाठी समर्पित आहे। कामगारांसाठी हा दिवस आपण कायमच सेलिब्रेट करत आलेलो आहे, पण करोना या महामारीमुळे आपण या ठिकाणी धान्य वाटप करून जे गरजू कामगार आहेत त्यांना धान्य वाटप करतोय आणि धान्य वाटप करून आपल्याला जेवढी मदत करता येईल आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून आपल्या सगळ्या कामगारांपर्यंत आज बरेचसे कामगार उत्तर भारतातून किंवा वेगळ्या वेगळ्या राज्यातून आलेले आहेत, त्यांना आपण जेवण देण्याचं काम करतोय, धान्य देण्याचं काम करतोय। आज फार आनंदाची गोष्ट आहे की माजी मुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्र फडणवीस हे आमचे मोठे भाऊ आहेत आणि आमच्या युनियनसाठी आमचे दादा आहेत, तर त्यामुळे आज एक खूप मोठ्या आनंदाची गोष्ट आहे की जवळपास 100 टन धान्य हे महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्र फडणवीस आणि याचं कोऑर्डिनेशन प्रसाद लाड यांनी केलेलं आहे आणि मला अभिमान वाटतो की जवळपास आपण आज 1 लाखाहून अधिक लोकांपर्यंत धान्य वाटपाचं काम करणार आहोत आणि आमच्या युनियन बरोबर निगडीत असलेले सर्व आमचे मेंबर्स जे आहेत, म्हणजे जे रिक्षा टॅक्सीमध्ये असतील, फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये काम करणारे लोक असतील, नाका कामगार असतील, हॉकर्स असतील, महिला उद्योगामध्ये काम करणाऱ्या आमच्या महिला असतील, अशा सगळ्या जवळपास 22 वेगळ्या वेगळ्या युनियन्स आहेत आणि जवळपास 5 लाखाहून अधिक लोकांना याचा लाभ होणार आहे। आपण बघितलं असेल की प्रत्येक कामगार ज्यावेळेस तिथे येतो त्यावेळेस तो आयकार्ड दाखवतो आणि आपल्या युनियनशी निगडीत असलेले जेवढे मेंबर आहेत त्या प्रत्येक मेंबरला या ठिकाणी आपल्या कार्यालयाकडून आपण त्यांना धान्य वाटपाचा कार्यक्रम करतोय। मी परत एकदा महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्रजी त्यांच्या त्याचबरोबर प्रसाद लाडजी आणि त्यांची संपूर्ण टीम यांना मी मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो। आपल्याबरोबर असलेले सर्व कामगारांच्या वतीने मी परत एकदा देवेंद्रजींचं मनापासून धन्यवाद। असंच आपण सर्व आमच्या बरोबर पाठीशी राहा आणि जेवढं जास्तीत जास्त चांगलं काम आपण करू शकू तेवढं आपण करणार।